और माइक पर शायरी पेश करने के लिए, बहुत अच्छी शायरी पेश करने के लिए अपने शहर के नुमाइंदा शायर अकरम जौनपुरी से दरख्वास्त लगा रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से महसूस करें, क्योंकि आपको सुनने वाले आपको दाद देने के लिए भी बैठे हैं जो शायरी सुनने के लिए आए हैं। मैं अकरम जौनपुरी से दरख्वास्त लगा रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि ये मुशायरा जिनकी याद में मुनक्किद है, अज़ीज़ रब्बानी अज़ीज़ जौनपुरी साहब और मलिक ज़ादा मंजूर साहब, ये चार मिसरे अज़ीज़ रब्बानी अज़ीज़ साहब को खराज अकीदत के तौर पर पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, समाज फरमाए। और तमाम मेहमान शोराए किराम का इस्तकबाल खैर मकदम करते हुए, सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए समाज फरमाए चार मिसरे ये कि वो जिसकी खिदमत इल्म व अदब थी लासानी, क्या कहने, वो जिसकी खिदमत इल्म व अदब थी लासानी, जो बांटता रहा फिक्रो हुनर की ताबानी, वाह, जो बांटता रहा फिक्रो हुनर की ताबानी, ये जौनपुर की तारीख ना मुकम्मल है। जी बतौर खास देखेंगे उनके साहबजादे जी, आज अज़ीज़ रब्बानी अज़ीज़ साहब की याद के लिए, ये जौनपुर की तारीख ना मुकम्मल है अगर लिखा नहीं जाए अज़ीज़ रब्बानी। क्या कहना भाई, क्या कहना, ये जौनपुर की तारीख ना मुकम्मल है अगर लिखा नहीं जाए अज़ीज़ रब्बानी। क्या बात है। और मोहतरम अजबद कासमी साहब अपनी अंतक मेहनतों के साथ इस मुशायरे की सजावट बनावट में हिस्सा लिए हुए हैं, और इस मुशायरे में अजीब सी लज्जत महसूस हो रही है। गौर करने पे ये मालूम हुआ कि तंदूरी दरबार के आरिफ खान साहब, शहनवाज साहब भी पूरी तरह से इसमें शरीक हैं, तो इस लज्जत का राज जाके अब खुला। जी जी, कि तंदूरी दरबार भी इसमें मुकम्मल तरीके से शरीक है। जी, एक मशवरा हम उनको देंगे कि तंदूरी दरबार जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लज्जतों का भंडार भी नीचे लिख दिया जाए, बहुत लजीज खाने जी जी होते हैं। आप शेर पेश करिए मोहतरम। हाँ, चार मिसरे समाज फरमाए कि ये आईने नहीं डरते डरा के देख चुके, बतौर खास कि ये आईने नहीं डरते डरा के देख चुके, जिन्हें चलाना था पत्थर चला के देख चुके, जिन्हें चलाना था पत्थर चला के देख चुके, और वो याद और भी शिद्दत से आने लगते हैं, हजारों बार हम उनको भुला के देख चुके। वाह, क्या बात वो है। याद और भी शिद्दत से आने लगते हैं, आगे बढ़ के पढ़िए, हजारों बार हम उनको भुला के देख चुके। और ये चार मिसरे हजरात के मछली शहर से हाजी एजाज खान साहब आए हुए हैं, बतौर खास ये चार मिसरे उनको समाप्त फरमाएं कि तुम मिटाओगे हमें तहरीर बनती जाएगी, तुम मिटाओगे हमें तहरीर बनती जाएगी, इनकलाबे वक्त की तस्वीर बनती जाएगी। क्या बात है। इनकलाबे वक्त की तस्वीर बनती जाएगी, और देखना एक दिन करेंगे फूल अंगारों का काम, देखना एक दिन फूल, देखना एक दिन करेंगे फूल अंगारों, फूल अंगारों का काम, और एक एक शाखे गुल शमशीर बनती जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह, शाखे गुल शमशीर बनती जाए। दोबारा पढ़ दीजिए हुजूर। तुम मिटाओगे हमें तहरीर बनती जाएगी, इनकलाबे वक्त की तस्वीर बनती जाएगी, और देखना एक दिन करेंगे फूल अंगारों का काम। क्या बात है। और एक एक शाखे गुल शमशीर बनती जाएगी। और चार मिसरे यूं समाज फरमा लें कि कम उसकी कभी जलवा फिशानी नहीं होती,
कम उसकी कभी जलवा फिशानी नहीं होती, तस्वीर हो उनकी तो पुरानी नहीं होती। क्या बात है। कम उसकी कभी जलवा फिशानी नहीं होती, तस्वीर हो उनकी तो पुरानी नहीं होती, और नजरों से हुआ करता है इजहार मोहब्बत, नजरों से हुआ करता है इजहार मोहब्बत, ये बात है ऐसी कि जुबानी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। नजरों से हुआ करता है इजहार मोहब्बत, नजरों से हुआ करता है इजहार मोहब्बत, ये बात है ऐसी कि जुबानी नहीं होती। क्या बात है। और ये मतला हजरत मौलाना अनवार साहब की मौजूदगी है, यहाँ शकील चाय यहाँ मौजूद है, अनवार साहब मौजूद हैं, अनवार जौनपुरी साहब जी, ये मतला सलीम भाई बतौर खास समाज फरमाए कि किरदार के चेहरे को संवरने नहीं देती, किरदार के चेहरे को संवरने नहीं देती, ये मतला के किरदार के चेहरे को संवरने नहीं देती। उस्मान भाई बतौर खास के किरदार के चेहरे को संवरने नहीं देती, ये झील हसद की है उभरने नहीं देती। क्या बात है। ये झील हसद की है उभरने नहीं देती, और मैं मौत की सरहद से पलट आता हूँ अक्सर। गजल का खाली शेर हजरात समाज फरमाएंगे जी जी, अगर मेहनत की गई है शेर हुआ है तो दुआओं से जरूर नवाजेंगे जी, इरशाद इरशाद फरमाएं कि मैं मौत की सरहद से पलट आता हूँ अक्सर जी, हसरत तेरे दीदार की मरने नहीं देती। क्या बात है भाई, वाह। मैं मौत की सरहद से पलट आता हूँ अक्सर, हसरत तेरे दीदार की मरने नहीं देती, हसरत तेरे दीदार की मरने नहीं देती, मैं मौत की सरहद से पलट आता हूँ अक्सर, हसरत तेरे दीदार की मरने नहीं देती। क्या बात है। और ये शेर दुनिया के तमाम जालिमों के नाम नजर है, समाज फरमाए इरशाद फरमाए कि हसरत तेरे दीदार की मरने नहीं देती, और हैं चाहते अरबाबे सितम हमको डराना, हैं चाहते अरबाबे सितम हमको डराना, जो अपनी रवायत है वो डरने नहीं देती। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। जो अपनी रवायत है वो डरने नहीं देती। क्या बात है। दोबारा पढ़ दीजिए साहब। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और बतौर खास समाज फरमाए कि है चाहते अरबाबे सितम हमको डराना, है चाहते अरबाबे सितम हमको डराना, जो अपनी रवायत है वो डरने नहीं देती। क्या बात है। और खुशबू की तरह हम भी बिखर जाते फजा में, खुशबू की तरह हम भी बिखर जाते, खुशबू की तरह हम भी बिखर जाते फजा में, महदूद हवा हमको बिखरने नहीं देती। क्या बात है, क्या बात है। महदूद हवा हमको बिखरने नहीं देती, महदूद हवा हमको बिखरने नहीं देती। और ये मतला दो शेर तमाम अपने लोग हैं, और इसलिए देखिए कह रहा है कि साकिब भाई को नजर जरूर कर दीजिएगा। समाज फरमाए साकिब भाई का हम नाम भूल रहे थे, मगर उनको देख के पढ़ने में कुछ डर लग रहा था, तो हम का पहचानी हुई शख्सियत है भुट्टू भाई। समाज फरमाए जी 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 जी, ये मतला आप ही की नजर है जी। समाज फरमाए आपके लिए नहीं है, आपकी नजर है, आपके जरिए औरों की नजर है। समाज फरमाए जी, इरशाद फरमाइए के कम नजर जब से अहले नजर हो गए, कम नजर जब से अहले नजर हो गए, कम नजर जब से अहले नजर हो गए, ऐब जितने थे सारे हुनर हो गए, ऐब जितने थे सारे हुनर हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। कम नजर जब से अहले नजर हो गए, ऐब जितने थे सारे हुनर हो गए, और चांद
बादल में कुछ देर क्या छुप गया, चांद बादल में कुछ देर क्या छुप गया। ये शेर बतौर खास ईसा फारूकी साहब की नजर है, समाज फरमाए जी के चांद बादल में कुछ देर क्या छुप गया, जुगनुओं को लगा हम कमर हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, कुछ देर क्या छुप गया। बहुत अच्छा शेर अकरम भाई, क्या कहने। चांद बादल में कुछ देर क्या छुप गया, जुगनुओं को लगा हम कमर हो गए, और उन चरागों में नाम अपना शामिल नहीं, उन चरागों में नाम अपना शामिल नहीं। मजहर आसिफ साहब की निजामत के हवाले से जी, के उन चरागों में नाम अपना शामिल नहीं जी, जो हवाओं के जेरे असर हो गए। क्या कहना भाई, वाह वाह वाह। हवाओं के जेरे असर हो गए, जो हवाओं के, बस आखिरी दो तीन शेर समाप्त फरमा लें जी, इरशाद फरमाएं। मेहमान शोराए किराम मौजूद हैं यहाँ पर, गुड्डू भाई हमारे भादों से आए हुए हैं। गुड्डू भाई की तो मौजूदगी हो गई, बड़ी बात है भाई, बहुत अदब दोस्त शख्सियत है जी जी जी। शकील भाई की फरमाइश है, समाप्त फरमा लें जी, के वक्त के साथ चलना पड़ता है, वक्त के साथ चलना पड़ता है। बतौर खास समाप्त फरमाए वसीम साहब और तबरेज साहब की मौजूदगी भी है यहाँ पे, समाप्त फरमाइए। के वक्त के साथ चलना पड़ता है, यानी खुद को बदलना पड़ता है। वाह 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 वाह। वक्त के साथ चलना पड़ता है, यानी खुद को बदलना पड़ता है, और बन के सूरज भी हमने देख लिया। बतौर खास ये शेर जी जी, के बन के सूरज भी हमने देख लिया, शाम होने पे ढलना पड़ता है। क्या बात है भाई, क्या कहना, अच्छा भाई। बन के सूरज भी हमने देख लिया, शाम होने पे ढलना पड़ता है, और प्यार में खुद ही अपनी आंखों से, अगर शेर हो गया होगा तो दाद जी जी, अरे बिल्कुल, और दुआओं से नवाजेंगे जी जी, कि शाम होने पे ढलना पड़ता है, और प्यार में खुद ही अपनी आंखों से बन के आंसू निकलना पड़ता है। क्या बात है भाई, अच्छा है भाई, वाह। प्यार में खुद ही अपनी आंखों से बन के आंसू निकलना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, अभी आप समाप्त कर रहे थे आली जनाब अकरम जौनपुरी साहब को, अपने शहर में इतनी मोहब्बतों से आपने सुना, बहुत शुक्रिया हजरात, और बहुत अच्छे से शेर उन्होंने पेश किए। उनको भी उनकी शायरी के लिए, आज के कलाम के लिए बहुत मुबारकबाद।